हम शरद पवार जी के समर्थन में आए और 82-83 साल का जो बुजुर्ग है शरद पवार जी, उनको जो धोखा दिया है नहीं जिसने, वो कभी भी जिंदगी में पूरा नहीं होगा अपने मिशन में। शरद पवार बुढ़ापे में फिर भी मिशन में पूरे होंगे। हम राठा वीरेंद्र जी अध्यक्ष हरियाणा के, हम उनके समर्थन में राठा वीरेंद्र जी के साथ आए। देश का नेता तो दिखाई दे रहा जी शरद पवार जी, 83 साल में भी जवाना की तरह घूम रहा। और अजीत पवार जी जो उन्होंने पाले हैं, उन्हें तो बिच्छू पाल दिया, उनके सारे पागे बढ़ गया और उन्होंने विश्वासघात कर गया। कार्यकर्ता तो ये चाहूंगा जी सारे शरद पवार जी के साथ, अजीत पवार के साथ कुछ नहीं। जो यहाँ गए नहीं एमएलए 28 गए या 30 गए, जो जितने भी गए होंगे 25 आदमी, टिकट देंगे दोबारा जीत के नहीं आऊंगे। इनका जनता ने निकाल दिया सबको, विश्वासघात करने वाले का कोई नहीं होगा। बिल्कुल बिल्कुल। और हम हरियाणा से आए हैं, देख लो इतने आदमी आ रहे। देखिए झूठ झूठ होता है, सच सच होता है, झूठ की कोई इंतहा नहीं होती। जो आज दबाव अजीत पवार या उनके साथियों पर हुआ, जो सेंट्रल गवर्नमेंट मोदी सरकार कर रही है, इसका जनता पूरा जवाब देगी मोदी जी को। हर जगह पे तोड़ फोड़ करनी और पार्टियों को तोड़ना और अपनी अपनी पार्टी में लेके आना और उसी बंदे को बोलना आप भ्रष्ट है, बेईमान चोर है और अपनी पार्टी में ईमानदार है, पवित्र है वो। अच्छा, क्या बीजेपी गंगा है क्या? अच्छा, तो मीटिंग चल रही है, उससे आपको लगता है सोल्यूशन? नहीं, सोल्यूशन निकलेगा 100%। कुछ लोग वापस भी आएंगे।